प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मेडिकल यूनिट ओपीडी शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर कर्फ्यूग्रस्त हॉटस्पॉट और उपखंड मुख्यालय क्षेत्रों में यह सुविधा शुरू हो रही है। इसको लेकर बुधवार को चिकित्सा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिससे प्रदेश के CMHO और अन्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 295 मेडिकल मोबाइल यूनिट और 115 बेस एम्बुलेंस आवश्यक दवाओं और जांच सुविधाओं से युक्त हैं। आमजन को चिकित्सा सुविधा देने के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उपखंड मुख्यालयों के साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक उपचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। कोई भी व्यक्ति इस सेवा के अंतर्गत निःशुल्क उपचार ले सकेगा। इन मोबाइल वाहनों में लाउड स्पीकर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि घरों में रह रहे लोगों को इसकी सूचना आसानी से मिल सके। बना दिए, लेकिन जो दूसरी बीमारियों के लोग हैं वो परेशान नहीं हो, उसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि 48 जगह राजस्थान में कर्फ्यू लगा हुआ है। दूर दराज के इलाकों में लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही रुकी हुई है, साधन भी नहीं मिल रहे हैं। तो 400 मोबाइल ओपीडी वैन आज से ही, क्योंकि कल परसों आदेश कर दिया CM साहब ने, वो आज से ही राजस्थान में SDM मुख्यालय के ऊपर तो रहेगी, शहरी हलकों में भी, उसको हमने मोबाइल ओपीडी वैन का नाम दिया है। और वो लाउड स्पीकर के माध्यम से जगह जगह अनाउंस करेगी, भाई कोई अन्य बीमारी से कोई मरीज है, हमारी कोई प्रेग्नेंट बहने हैं जो डिलीवरी के लिए जिनको ले जाना हो, ये तमाम चीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग को आज 400 वैन ओपीडी वैन वो दे दी गई है, और वो पूरे राजस्थान में काम करेगी, ताकि दूसरी बीमारी वाले लोग वो भी परेशान नहीं हो।